बॉलीवुड के पुराने जमाने के स्टार आज भी लोगों में अपने किरदारों की वजह से काफी लोकप्रिय है। कुछ स्टार को तो लोग भूल गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टार लोगों के दिलों में जिंदा है। बीते जमाने की अदाकारा बिंदु बॉलीवुड में आई थी हीरोइन बनने, लेकिन वो बन गई खलनायिका। बिंदु को बॉलीवुड की सबसे पहली आइटम गर्ल भी माना जाता है। हम आपको बता रहे हैं बिंदु की वो कहानी जिसे आप नहीं जानते होंगे। बिंदु के पिता एक प्रोड्यूसर थे और उनकी माँ भी फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उन लोगों को बिंदु का फिल्मों में जाना पसंद नहीं था। बिंदु ने नाराज होकर 16 साल की उम्र में अपने पड़ोसी से शादी कर ली। बिंदु ने पहली बार फिल्म दो रास्ते में नेगेटिव किरदार निभाया था। इस फिल्म के बाद बिंदु का ऐसा जलवा था कि पर्दे पर आते ही लोग ये सोचकर डर जाते थे कि बिंदु कुछ गड़बड़ जरूर करेंगी। बिंदु ने उस दौर के हर बड़े स्टार के साथ काम किया। बिंदु मोना डॉर्लिंग के नाम से भी मशहूर हुई। कहा जाता है कि फिल्म में अपने पेट को अंदर दिखाने के लिए बिंदु बिना खाना खाए डांस करती थी। बिंदु इतनी बेहतरीन डांसर थी कि करीब 250 फिल्मों में उन्होंने काम किया। उनके किरदार भले ही नेगेटिव थे, लेकिन लोग उन्हें उस रूप में भी प्यार करते थे। जिस दौर में हीरोइनें साड़ियां और सलवार समीज पहना करती थी, बिंदु काफी बोल्ड और भड़कीले कपड़े पहना करती थी। उनके आइटम नंबर के लोग दीवाने थे। 1980 तक बिंदु का ग्लैमरस अवतार बड़े पर्दे पर दिखता रहा, लेकिन 1983 तक बिंदु की चमक फीकी पड़ने लगी और उन्होंने डांस करना भी छोड़ दिया। राजेश खन्ना के साथ शुरू हुआ बिंदु का सफर शाहरुख तक चला। फिल्म में हूना में भी बिंदु शाहरुख के साथ एक अलग किरदार में नजर आई। बिंदु लंबे समय से पर्दे से दूर हैं। बिंदु आजकल मुंबई में रहती हैं, वहीं उन्हें पुणे से भी काफी लगाव है, इसलिए हफ्ते में 2 दिन वहां रहती हैं। बिंदु के बच्चे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बहनों और उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी खुद निभाई।